कैसे हो आप सभी दोस्तों। मेरे पास काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो पूछ रहे थे कमेंट में कि आप ये बताओ, जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, कोई उनको अच्छे से काम भी नहीं आता है, ठीक है, वो दुबई में कौन कौन सा काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं एक जॉब बताऊंगा आपको जो है जनरल लेबर का जॉब। ठीक है, बेसिकली आप जानते हो कि जनरल लेबर क्या होता है, लेबर वर्क होता है दुबई में। ठीक है, जिसके लिए आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट 10th पास होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको रिक्वायरमेंट्स बताऊंगा और भी कुछ नई चीज़ें जो आपके साथ शेयर करूंगा, कैसे आप जॉब ये कर सकते हो दुबई में, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, सैलरी आपको कितने तक मंथली मिल जाती है, सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, छोटी सी वीडियो है, मेरे पास भी ज़्यादा टाइम नहीं है, फटाफट मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ, उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हो कि आपको करना क्या है। ठीक है, तो नंबर वन पे हम सबसे बात कर लेते हैं रिक्वायरमेंट्स, उसके बाद हम सैलरी की बात करेंगे। तो रिक्वायरमेंट सबसे जो पहला होता है वो होता है 10th पास। आप इंडिया में मिनिमम 10th पास होने चाहिए विथ 50% मार्क्स। ठीक है, 50% मार्क्स के साथ आप 10वीं पास हो। नंबर टू आता है मेडिकल रिपोर्ट। कोरोना वायरस के बाद मेडिकल पहले थोड़ा बहुत इग्नोर कर दिया जाता था, जैसे थोड़ी बहुत जो कमी होती थी वो इग्नोर हो जाता था, बट अभी बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो चुका है। अगर आपके पास कोई भी बीमारी या फिर कोई भी आपके शरीर में दिक्कत है तो उसे ठीक करवा लो, मेडिसिन लेने लगो, ठीक है, आगे आपको ठीक हो जाएगा। तो मेडिकल अगर बेस्ट रहा तो आप दुबई में जॉब कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मेडिकल की वजह से आप काफ़ी सारे लोग नहीं जा पा रहे हैं दुबई और कई सारे लोग को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो मेडिकल रिपोर्ट आप देख लो, अगर आपके पास कोई कमी हो, अगर आप बिल्कुल फिट हो तो आपको बहुत खुशी है, आप जॉब कर सकते हो। ठीक है, नंबर टू पे आता है आप फिजिकली एकदम फिट होने चाहिए, क्योंकि दुबई में फिजिकली फिट का मतलब हुआ कि आपके शरीर ऐसे कमज़ोर ना हो, ऐसे दुबले पतले ऐसे ज़्यादा ना हो, क्योंकि जनरल लेबर में काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क पड़ता है। ज़्यादा हार्डवर्क नहीं पड़ता लेकिन अच्छी सैलरी मिलती है। ये जॉब बेसिकली उन लोगों के लिए जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब मैं आपको बताता हूँ सैलरी कितने तक मिलती है। यही जो कॉमन रिक्वायरमेंट थी, पासपोर्ट जरूरत पड़ता है, आधार कार्ड, ये सब तो नॉर्मल चीज़ें हैं, ये आपको पता चल जाएंगी। अब मैं फाइनली आपको सैलरी बताता हूँ कितने तक सैलरी होती है। तो अगर हम सैलरी की बात करें तो एक आम लेबर 30,000 रुपये से लेकर के 60,000 रुपये तक अर्न कर सकता है दुबई में। ठीक है, अगर आप स्टार्टिंग में काम करते हो तो सैलरी थोड़ी कम मिलती है, बट बाद में आप हेल्पर के तौर पे अगर हो जाते हो तो आपको 50,000-55,000 रुपये तक भी सैलरी पहुंच जाती है 1-1.5 साल में। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी और बाकी की चीज़ें आप मैंने बताई हुई है वीडियो में, मैं आपको बता देता हूँ। अप्लाई कैसे करते हैं, अप्लाई आप इंडिया से कर सकते हो, क्लाइंट के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, क्लाइंट पकड़ो, अगर आपको कोई दुबई में पहले से रहता है तो उससे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, एक बेटर क्लाइंट आपको दे देगा, क्योंकि मैं अब नहीं हेल्प कर सकता, क्योंकि काफ़ी सारे लोग कमेंट करते हैं मैं किसका किसका हेल्प करूँगा। ठीक है, ये चीज़ें हैं। अगर आपको कोई रिलेटिव रहता हो दुबई में पहले से तो आप उसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाय बाय, हैव अ नाइस डे। वीडियो पसंद तो लाइक करो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट हो तो कमेंट करना।